प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन में और पवित्र लहू में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वे स्तुतियों के सिंहासन पे स्तुतियों में विराजमान है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करते हैं। आइए आज का भजन संहिता हम पढ़ेंगे, अध्याय 9 उसकी 11 से। यहोवा योसेओन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलताल लेने वाला उनको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे व्यारी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूं। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े हैं। जो जाल उन्होंने लगाया था, उसमें उन्हीं का पांव फंस गया है। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वह सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सन्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी के साथ आज की सुबह में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजा, हम आपकी महिमा करते स्वामी आज के दिन के लिए, स्वामी इस वक्त के लिए। खुदा बाप मसीह यीशु के जीवित और पवित्र नाम में परमेश्वर, आज जो वचन परमेश्वर आपके परिवारों ने, आपके लोगों ने परमेश्वर, आपके चुने हुए पात्र ने परमेश्वर, आपकी कलीसिया ने परमेश्वर जो वचन सुना है परमेश्वर, वो वचन इनके सबके लिए आशीष का कारण होने पाए। और प्रभु मेरी प्रार्थना है, इनके जितने भी बैरी हैं, जितने भी विरोधी हैं परमेश्वर, जितने भी लोगों ने इनके खिलाफत में युक्तियां योजनाएं बनाई हैं, इस वचन के मुताबिक परमेश्वर वे बैरी इनके ऊपर प्रबल ना होंगे। वे अपराधी परमेश्वर जो इनके विरुद्ध में युक्तियां बनाते हैं, उनकी युक्तियां कभी सफल ना होंगी। मसीह यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर, पवित्र नाम में अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस वचन के मुताबिक परमेश्वर आप अपने लोगों को जय देने की सामर्थ्य रखते हैं। इन वचनों के मुताबिक आप अपने लोगों को परमेश्वर हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरेंगे। मसीह यीशु के नाम में प्रभु, जितने भी कान, जितने भी परमेश्वर कान इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है मसीह यीशु के नाम में ये आपकी जय और जय को अपनी आंखों से देखते चले जाएं, मसीह यीशु के नाम में। आमीन।